Assalamu alaikum and welcome to yet another exciting episode of Time Out with Ehsan Khan, Janab. I hope कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली फीडबैक. जनाब हमेशा की तरह आज भी हमारे गेस्ट होंगे जबरदस्त. ये बता दूं आज का शो होगा थोड़ा स्पेशल, क्योंकि आज का शो होगा कुछ म्यूजिकल. तो अगर आप मजा करना चाहते हैं, कुछ मस्ती करना चाहते हैं, अच्छा सा म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तो आज का शो मिस मत कीजिएगा. जनाब ये जो उंगलियां हैं, ये देखिए इंफॉर्मेशन कैसी मैं आपको दे रहा हूं. आप जानते हैं कि वैसे तो पूरी बॉडी में मसल्स होते हैं, लेकिन आपकी जो फिंगर्स हैं उनमें कोई मसल्स नहीं होते. जो आपके जॉइंट्स, जो आर्म्स के मसल होते हैं, उन्हीं के जरिए ये उंगलियां हिलती हैं और काम करती हैं. कैसा अजीब सा फैक्टर है. अच्छा, वो लोग जो म्यूजिक करते हैं, पियानो बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, ये हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये देखिए अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से क्या काम करते हैं. हम आम जिंदगी में भी किस तरह इनको यूज करते. जनाब ये है आज का फन फैक्ट. आगे बढ़ेंगे, आपको मिलवाएंगे हमारे आज के सेलिब्रिटी से, लेकिन आप जानते हैं हमें लेनी होगी एक छोटी सी ब्रेक. हाजिर होंगे कुछ देर में, देखते रहिए टाइम आउट विद Ehsan Khan. Welcome back to Time Out with Ehsan Khan. तो जनाब हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि एक इनमें से शख्स ऐसा है जो आता है, फिर गायब हो जाता है, फिर आता है, फिर गायब हो जाता है. ये हमें तरसाता है, इसकी आवाज इतनी अच्छी है इन साहब की कि हम लोग इंतजार करते रहते हैं कब हमारी इनसे मुलाकात हो और कब हम इनके जबरदस्त से गाने सुने. क्योंकि ये जो भी म्यूजिक बनाते हैं वो जबरदस्त होता है. और जो हमारी फीमेल आर्टिस्ट हैं, शी इज सुपर टैलेंटेड. एज आई टोल्ड यू, शी इज वंडरफुल. यू गाइस आर वाचिंग हर ऑन एंड ऑफ स्क्रीन पे नजर आती रहती हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं. ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने किरदार की लंबाई पे कम ध्यान देते हैं और गहराई पे, यानी कि डेप्थ जो होता है कैरेक्टर का, उसको देखना भी आर्टिस्ट के लिए बड़ा जरूरी होता है. तो सबसे पहले हम बुलाएंगे फरियाल महमूद को. आइए जी फरियाल. कुछ अलग हो, काम में कुछ गहराई हो, ये बड़े कम होते हैं. यूजुअली लेंथ से मेजर करते हैं ना हम लोग. यूजुअली तो हमारा एक वो है ना कि अच्छा एक के बाद एक, चलो बस नोट बनाओ एक के बाद एक, यू नो. वैसे वो भी जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, क्या करें. लेकिन मैं उन अनफॉर्चुनेट लोगों में से हूँ जो मैं सिर्फ दिल से काम कर सकती हूँ पैसों के लिए. आई मीन आई एम नॉट गोना से मनी डजंट मोटिवेट मी, ऑब्वियसली इट मोटिवेट्स एवरीवन, बट इफ इट्स गुड वर्क देन इट्स मच मोर ऑफ अ मोटिवेटर. जबरदस्त. और जो हमारे साथ एक और हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, सेलिब्रिटी हैं, ही इज ब्रिलियंट यार. मतलब आई माई सेल्फ आई रिमेंबर एक फेज ऑफ लाइफ में, लॉन्ग टाइम बैक, मे बी आई से 15 ईयर्स बैक, आई बीन लिसनिंग टू हिज सॉन्ग्स रिपीट पे. आपकी गाड़ी पे, गाड़ी में रिपीट का एक होता था 15 साल पे, आप दबाते हैं इस आदमी की आवाज से गाने. और वो सीडी खराब हो चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. इवन अब भी I listen to all his songs. अब भी they are like evergreen songs. They are. मुझे ये पता चला, although we didn't know that, but इनसे बचपन की दोस्ती है, यानी जान पहचान है. जान पहचान. Well, his father and my mother also sings. Yeah. So वो एक बिल्कुल घर की तरह है, family की तरह है. ताल्लुक है बिल्कुल. Wonderful. हम लोग घर इनके जाते रहे हैं और बचपन से I've known him. अब नाम ले लो जल्दी से. सितारा सी जिन्हें कहते हो, वो आंखें तुम्हारी जिन्हें तुम शाख से कहते हो, वो बाहें
तुम्हारी है जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो बातें तुम्हारी है। सब मिल गए। इस तरह करके क्योंकि हम लोग सर मिल नहीं पाते। नहीं, मैंने ये सोचा, मैंने कहा अहमद के साथ अगर हमने किसी म्यूजिशियन या सिंगर को बुलाया तो वो जो ये फन है ये बट जाएगा शो में। मैं चाहता था एक्टिंग की बात इनसे करें, गाने की बात आपसे करें। बिल्कुल जी। और अहमद यार, आई मस्ट से माशाल्लाह, यू आर वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान। एंड ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ये कहने वाली बात नहीं है, बट वाकई यू वंडरफुल एंड पीपल लव यू। और आवाज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यानी पूरी दुनिया में कोई आवाज नहीं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यार, सो काइंड ऑफ यार। नहीं, नो नो, थैंक यू सो मच, लव यू बोथ। नहीं, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। अच्छा, एक सवाल जो मैं हमेशा मैं करना चाहता हूं कि हम देखते हैं कि आजकल लोग सोशल मीडिया पे, पर्सनली यू वुड एग्री, दे हैव पीआरस एंड दे इन्वेस्ट ऑन सोशल मीडिया फॉर देयर पब्लिसिटी एज वेल। अच्छा, फिर लोग इन रहने के लिए जतन करते हैं, ये कर लिया, वो कर लिया, अपना कर लिया। आप जनाब ऐसे ऐसे गाने देते हैं, फिर बीच में एक गैप लिया, फिर वापस गाना, फिर गैप, ये क्या है? मतलब ये कोई खुद डिलिब्रेट है या ऐसे बस हो जाता है ये? मैं आपको एक सही बात बताऊं, मैं एक बड़ा स्पॉइल्ड ब्रैड बच्चा था। ये शायद थोड़ा बहुत इसने मैंने देखा है, वो झलक मैंने देखा है बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं। मैं अपने घर की आप बात बताऊं कि अब्बा ने मुझे 2 साल कमरे से वाकई बाहर नहीं निकलने दिया कि फोन बंद तो ये चीज बंद तो बाहर जाना दोस्तों कब, से जब, मिलना। जब गाने हिट हुए तब, एक बार कहो से कोई 6 महीने पहले की बात। अच्छा, है कि उन्होंने क्या कि तुम तो इंसान ही नहीं हो, तुम तो जानवर हो, तुम कौन हो तुम? इस टाइप की बात होती थी कि तुम तो ना घर का पता, ना कुछ, ना घर आना। और ये हो गया था कि मैं हाफ माई लाइफ वॉज डेडिकेटेड टू माई फ्रेंड्स, यू नो। और ये कि बस शाम हुई निकल गए तो 2 दिन नहीं आ रहे, 1 दिन नहीं आ रहे, इस तरह वही जो टिपिकल मतलब बॉयज करते हैं सारे। बट आई थिंक माई फादर saw the time way before it, you know? मुझे लगता था कि उनको ये पता था कि इसको इस टाइम पे आके मैंने इसको स्लॉट में बंद करना है, इसको इस प्रोसेस से गुजारना, उस प्रोसेस से गुजारना है। और वो प्रोसेस ये था कि लिटरली दो, माई फादर वॉज वेरी सोशली एक्टिव, मगर मैंने बड़े लोगों के कमरों के चक्कर लगाए, बड़े वो सारा प्रोसेस। अब्बा किसी को फोन ही नहीं करते थे कि बस जाओ अपना वो जो भी तुम्हारा सामान ले जाओ, सामान लेकर जाओ और सुनाओ, और बस जाके सुनाओ किसी को, रेडियो स्टेशन जाओ, यहाँ जाओ। और मैं रेडियो स्टेशन के बहाने कभी किसी के यहाँ डिफेंस के अंदर किसी दोस्त के घर बैठ गया तो उधर बैठ गया, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, ये वो। तो वो बिल्टअप का प्रोसीजर था सर मेरे पास। एक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट मोमेंट के एक FX थी मेरे पास जमाने में, जो कि मैं जब रोड पे निकलता था वो धुआं अंदर ही छोड़ती थी गाड़ी की, मतलब कि ये गाड़ी चल रही है, धुआं आ रहा है बाहर, या एक खिड़की से ना मुंह निकाल के गाड़ी चला रहे और लिटरली पब्लिक लानते दे रही है लाना। And then I remember a time you had this really nice car, dude. I don't know which one it was, but it was just really nice. फिर एक Honda Accord, एक Honda Accord ली, उसकी छत जो थी ना वो खराब थी, तो बारिशें होती थी तो ऐसी बात। Colorful Cadillac कोई भी थी उसकी सनरूफ खराब। Cool. तो I went. These are those struggling days. Exactly. Yeah. You went through that, which is brilliant, which yeah. is amazing. It's necessary. I think everyone actually. जिसको किसी जगह पे पहुंचना है उसको इस इन चीजों के थ्रू गुजरना चाहिए। पैंपर्ड आपको हर चीज मिल गई। आपके सवाल का जवाब कि वो जो आप कहते हो ना कि ये क्या है, why aren't you consistent with your work? I believe in my product, I believe in my merit. कि मेरा अगर मेरी अगर merit के अंदर potential नहीं है ना, और मेरी merit के अंदर weight नहीं है ना, तो मैं कुछ लाख जतन कर लूं, मेरा एक बड़ा short time period रहेगा इस market के अंदर, because anybody can come the next day and wipe me out, you know. But my skill has weight, and I have worked hard for it, and I have taken my time, not rushed into things and stuff like that, so I can at least go further than the rest of the people, you know. और फिर ये ऐसा फन है जिसकी कोई लिमिट तो है नहीं, है नहीं और हमेशा चलता रहता है। कोलैबोरेशंस करो, ये करते रहो, वो करते रहो। अब जमाना तो आपको पता है, रिसेशन आ गया तो ये डाउन हो गया तो वो डाउन हो गया, तो हम लोग तो चले जा रहे हैं बस। आज माशाल्लाह इट्स 20 years that Kahoe Din got released.
मैंने बहुत लेट सुना है भाई, मैं तो 20 साल पहले तो मैंने तो बाद में मुझे किसी ने सुनाया है गाना। आप कब से गा रहे हैं ये बताएं। ये बचपन से गा रहा है। I think ये 4 years old, yeah, 4 or 5 years। इसको ज़्यादा पता है। मुझे पता है, मुझे पता है। ड्रामे कर रही है। अच्छा आप 4 साल की उम्र से गा रहे हैं। सही है, जबरदस्त। But honestly मुझे ऐसा लगता है क्योंकि you guys, all of you, you जो टैलेंट है ना, ये एक गॉड गिफ्टेड चीज होती है और उसकी कदर करना हम पे बिल्कुल लाजमी हो जाता है। तो ये हमें एक दूसरे की वैल्यू करना, प्यार करना, एक दूसरे से अच्छी तरह बिहेव करना, इज्जत देना बहुत लाजमी है। सही है। अच्छा एक्टिंग में क्या हो रहा है फरियाल, ये बताओ। फरियाल फौरन ये होगी कि हाँ यार इज्जत दिया करो, बहुत जरूरी है इज्जत देना। मुझे क्यों देखी कह रही, मैं तो इज्जत देता हूँ यार। नहीं क्योंकि मैं बस अग्री कर रही हूँ ना। यार टैटूज, यार नए नए ऐसा नहीं हो सकता बॉस, बहुत काम किया इतना, बस ज्यादा ऊपर नहीं चले जाना। ये ना कहा वो आ गया, वो वो दिख रहा, ओए क्या बात है। दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे। व्हाट इज दैट? अच्छा इनका कुछ ट्राइबल आर्ट नहीं, इनका कोई मीनिंग है टैटू से? मीनिंग ये कि बस इंसान के बच्चे बन जाओ, ये सब चीजें ना करवा सकता, बस यही मीनिंग है। डिड इट वर्क? जोश में आके करवा लिया। अक्सर जो लोग टैटूज कराते हैं उनका कोई मतलब होता है कि वो टैटू क्यों कराएं। बिल्कुल, ये तो सामने नजर आ रहा है, ये तो शायद पुराना है। ये पुराना है, ये कुछ नया भी एडिशन हुआ इधर। ये दिस वन सेज ब्रीद। It says what? Breathe. Breathe, यानी सांस लो। सांस लो। हाँ। तो सांस की रोक रहा था जो लेना शुरू किया। नहीं, ये बस ये एक तरह से it's a reminder of just breathing through problems. You know, sometimes as people we tend to just forget to breathe through problems or anything. So breathe. ठीक है। सब ठीक है। कोई नाम आपको तुमने कहीं नहीं लिखवाया ना? क्या चीज़? नाम वाम तो नहीं लिखवाया ना? नाम का मसला अगर लिखवाया तो ये सबसे टेरिबल बात है। नाम या शक्ल किसी की करवाए, ये क्या नाम किसी की शक्ल ना भाई यार, और उससे जान छुड़ाई तो शक्ल को, हां, और नाम लिखो तो उसको मिटवाना पड़ता है। नहीं नहीं, मिटवाना क्या, बस उसकी जिंदगी भी बर्बाद है जिंदगी। अच्छा और क्या, ये भी है क्या? आई हैव अनदर वन ओवर हियर दैट सेज नो रेन नो फ्लावर्स। अच्छा, नो रेन नो फ्लावर्स। ठीक है, बारिश होना जरूरी है किसी भी चीज के खिलने के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देयर्स अनदर वन ओवर हियर। ओए होए 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 होए, इट्स अ वॉरियर टैटू। ये तो टैटू गर्ल बन गई। हां भाई, मैं तो कह रहा हूं पूरे शो करते हैं इसको। पर अच्छा, इस टैटू का मतलब बताइएगा क्या हुआ? वॉरियर, इट्स अ वॉरियर टैटू। ईच स्ट्रैंड रिप्रेजेंट्स यू नो अ वॉरियर। यार मैं नहीं बता रही, मैं नहीं बता रही, प्लीज बताओ यार। मैं एंजॉय, ये चिड़िया कितनी है आपके हाथ? ये चिड़िया कितनी है और क्यों है? क्यों है और क्यों है? कहां से आ रही? मुझे अच्छी लगती है, मुझे ये एक्चुअली यहां तक चाहिए थी। ओह माय गॉड। अच्छा बस खत्म हो गया। नहीं एक और है, यहाँ एक म्यूजिक नोट है। हमें तो नहीं नजर आ रहा ये तो आपको करवाना है। मैं हाँ देख सकता हूँ, यहाँ से देख सकता हूँ। ये बड़ी टैटू गर्ल बन गई। इसमें है भी इनबिल्ट म्यूजिक। You know that she, of course, she sings she very well. No, yeah, yeah. Yes, you do. अच्छा इनके सामने तो I don't. Yeah, she does sing the duet. Listen, do it हल्का सा। No, no, no. Of course she does. आप जैसा कोई भी ज़िंदगी में आया बात बन गया। Come on. No. आप जैसा कोई, ये तो बहुत आसान है। No. अरे मैं तेरे संग कैसे कुछ नूर जहाँ टाइप करते हैं मोहम्मद रफी नूर जहाँ आइए। अच्छा हम नूरजा का अहमद से सुनते पे साथ नूरजा बना के अहमद कम भाई तुम गाओगी तो साथ करते हैं ना। प्लीज नहीं चीज मैं हल्का हल्का आपके। हां ठीक है, ये हल्का कर दूंगी मैं। नहीं 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 गा सकती। आई कैन नॉट सिंग विद यू। आई वांट टू हियर यू सिंग। आई नो दैट यू कैन सिंग। यू आर गोइंग टू बी सो डिसअपॉइंटेड। नो गेस, डोंट लाई। सवाल ही नहीं कर। आई एम नॉट लाइंग। आई कांट सिंग। ब्रिंग इट आउट, ब्रिंग इट आउट। ओह माय गॉड, इट्स नॉट गोना बी अ रिक्वेस्ट अगेन। जस्ट अच्छा अगर बोंडा भी तो कोई मसला नहीं, सेड की डोंट सिंग। एक एक ही है, कोई बहुत बुरा होगा यार। जैसा बंदा अगर कुछ गा ले तो फिर तुम बिल्कुल ही माइक शेक किसी ने रोका है गाना? काश मैं अपनी अम्मी को ले आती पीछे से उन्हें बुलवाती। कोई भी व्हाटएवर यू वांट टू जस्ट हम कोई आसान सा कोई भी लाइक कम ऑन पाकिस्तानी गाना। पाकिस्तानी
anything yaar mujhe aaj jaane जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। वाह वाह वाह। तुमको एक्टिंग तो अभी भी कर लेते हैं बस, चांस तो मिलेगा, चांस तो दे कोई नहीं, वो वाली नहीं, आप जैसे नहीं करते नहीं, वो वाली एक्टिंग नहीं, दूसरी वाली एक्टिंग नहीं, वो वाली एक्टिंग नहीं, बोल तो तू ड्रामों में थोड़ा बहुत हां सर, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। देखिए एक आर्ट का जो एक ताल्लुक है ना, अब आई डोंट नो, आपको कहीं पेंटिंग का शौक होगा, कोई यू नो आर्ट फॉर्म जो अगर आपने सीरियसली, अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट किया हुआ, तो बहुत सारी चीजें आपकी साथ में चल रही होती है, यू नेवर नो के यू नो यू हैव अ गुड स्कल्पचर वाला मेकिंग कुछ भी हो सकता है, या ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, कलर्स का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, ये वो दिमाग की नई चीजें, तो आई थिंक वो भी एक्टिंग भी एक ऐसी चीज थी, वाज नेवर यू नो एक्सप्लोर्ड, या इट वाज नेवर टैप्ड, यू लाइक डूइंग इट, जी मैं ऐसे ही घूम रहा था एक चैनल में, मैं काम करता था, मैं ऐसे ही घूम रहा था, खालिद अहमद ने मुझे देखा, उन्होंने कह दे रहा हो यार वो तुम्हारा हुलिया तो बिल्कुल फटीचर टाइप का है, लंबे लंबे बाल, ये वो हाँ, इसी तरह की उन्होंने कोई बात की थी कि तुम क्यों नहीं मजनू का कैरेक्टर करते मेरे उसके लिए। अच्छा। मैं कहा सर मैं तो कभी जिंदगी एक्टिंग नहीं किया, पूछ लो तुम कि तुम कर लोगे, मैंने अब्बा से पूछा, अब्बा ये क्या एक्टिंग का कह रहे हैं, कहते भाई तू कर ले एक्टिंग खुदा के वास्ते, तेरे में बड़ा कूद कूद के बना है एक्टिंग, अब अब्बा का सब पता है, बस हाँ, तो बस वो फिर शुरू शुरुआत के अंदर। फैमिली लाइफ, यू नॉट मैरिड? No, sir, not at all. Yeah, sir, वो काफी सोचना पड़ा कि ऐसे, बल्कि मैं सॉरी शॉक हूँ कि am I married? मैं तो सोचना पड़ा दोस्त यार, इससे पूछो शादी तो क्या है ना, इससे पूछो कि कभी कभी होता है कि न्यूज़ आई है, नहीं you're not, no, I'm not यार, ये क्या है, मतलब ये छुपा रहा है क्या है, मुझे बता भाई।
I just want कि मैं अपने टाइम के हिसाब से, ये नहीं कि वो जो कल्चरली एक ऊपर से दबाव होता कि एक उम्र हो गई तो शादी कर लो, अपने जब मूड हो। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, एक म्यूजिशियन की सोल बड़ी एब्स्ट्रैक्ट होती है, बड़ी क्रेजी टाइप की होती है ना। मैं चाहता हूँ कि जो भी जिंदगी में हम सफर बने वो इंडल्ज हो जाए, बस मुझे कोई स्पेशल मेहनत नहीं करनी पड़े, वो आके बस मेरे साथ मेरी सफर में चलना शुरू हो जाए, बस कंफर्ट रहे ना। या यू आर सिंगल? यस आई एम। ओके ठीक है जनाब, यू मैरिड? आप तो सिंगर है ना, आपकी एज मैटर नहीं करती, हमारी एज बिल्कुल कोई नहीं करती मैटर। तो एक्टर, आई थिंक एक्टर जब मैच्योर होता जाता है ना, एक्टिंग में बेटर होता जाता है, वो बेहतर होता है और रोल भी ज्यादा चलते हैं, पीपल ट्रस्ट यू मोर। बट एनी हाउ, एक ब्रेक लेंगे, गेम की जाने बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। Welcome back to Time Out with Ehsan Khan. और ये segment बड़ा जबरदस्त है, मेरा बड़ा favorite है, क्योंकि बड़ा funny किस्म का हो जाता है। Treasure box में बहुत सी चीजें रखी होती हैं, जो हमारे artists यहाँ पे celebrities मौजूद होते हैं, उनको बहुत पसंद आती हैं। आपको भी यकीन पसंद आएंगी और हम इनको use भी करेंगे। जिस तरह wings पसंद आएंगी ना? हाँ, जैसे आपको wings पसंद हैं, नहीं आपको ये चीजें और भी पसंद आएंगी। लेकिन ये इसलिए पसंद है segment कि इसमें हम जो सवाल करते हैं वो सिर्फ इसलिए होते ताकि कुछ नॉलेज में मेरे आपके सब लोगों के इजाफा हो सके। तो सवाल शुरू करें, अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे तो फिर यू हैव टू चूज अ नंबर और इस नंबर में जो लिखा होगा इसमें सारी वो हैं पनिशमेंट्स हैं, करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज रुपया, दिनार या रिंगिट? यार रिंगिट, सी। व्हाट? द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, यू सेड रुपया, इंडोनेशिया, you said rupiah and you said ringgit, ek cheez choose karo, tumne kya kaha? Ringgit, I think it's ringgit. Oh, you said ringgit, you said rupiah. Okay ji, you said rupiah, you said ringgit. Jahan tak mujhe malum hai, ringgit to malaysian currency hai aur dinar jo hai wo uae obviously, to dekhte hain kya hai. Rupiah. Wow, ye kaise yehi karegi? Main kabhi indonesia gayi nahi, tumne kuch nahi kiya, usne divert kiya tumhara dhyan, pehle usne bola tha ringgit. लेकिन आप जो सामने वो देख रहे, माफ किया जी, शुक्रिया। वो भाई कहाँ से लिखवा गया ये? थैंक यू, ऊपर वाले से लिखवा गया। लकी गर्ल, आज तो टोटल माफ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड अपीयर्स एज लॉन्ग शू? लॉन्ग शू, पोर्टुगल, इटली या ग्रीस? आई थिंक इट्स पोर्टुगल। आई थिंक इट्स ग्रीस। Italy? I don't know, I'm not sure. D, Italy. Inni minni vaini wo si hai, ek Greece ho. See, thik hai ji. Ahmed ne kaha Greece, Faryal ne kaha Italy. Can you make the map? I can think of the map. I have no clue. Yay! What? Number choose karo. Baba, aap likh do, teen number. Teen? Teen number. अच्छी चीज है। ओ
मेरे पास होने चाहिए थे। इससे तो मैं आशना हूँ। ये तो मेरा लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज अटलांटिक, पैसिफिक या इंडियन? ओह माय गॉड, ऐसे जनरल नॉलेज भी सवाल वो टेस्ट हो रहा है। पैसिफिक ओशन है भाई, क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या पता है, ये डाइवर्ट कर रहा है। यू यू सेड पैसिफिक, लॉक, कम ऑन फिराल क्विकली। One. सारे तो अच्छे हैं, मतलब सब कर सकते हैं, सब कुछ अच्छी चीजें हैं यार। Hold this for me. भाई भी बांधा नहीं था, पहले भी नहीं बांधा। ओके चलो म्यूजिक यार। Lagat Ali Khan was assassinated in Rawalpindi on 15 September 1951, 17 August 1951, 16 October 1951. Oh, Lagat Ali Khan. Rough guess. She can never do it. ये flu की मारेगी, चलो शाबाश। B. There. B. I have no clue. मैं surrender करता हूँ, अगर ये B है तो I'll be okay with B. मैं तो कल लगा। मुझे नहीं पता। I swear to God. I have no clue. Number three. Number three. मेरा दिल क्या रहा है? Number three है नहीं? वो C है। मैं mistake कर रहा हूँ। मैं लामा इकबाल समझा यार। Sorry. लियाकत अली खान was assassinated on 16 October. The guy. सही जवाब क्या है? चलो बगैर नहीं, चूज करो, चूज करो। चले फोर, आप फोर पे चले। रैंडम क्या है ये? क्या भाई? व्हाट इज इट? नहीं नहीं, क्या हुआ? वाकई जोकर नोज। इसके साथ मैं कैसे पहनूंगी जोकर नोज? पहनना पड़ेगा तुम्हें, अभी हर चीज में तुम बच नहीं सकती हो। तुम म्यूजिक चेक करो। ये भी कूल लग रहा है यार, ये भी कूल लग रहा है। ओके जी, अगला सवाल। World War II began in इतने आसान सवाल आप माशाल्लाह, ये 37 या 39? World War II began World in War II 39 in 37. 37. I hope I'm right on this question, क्योंकि मैं अभी documentary देख रही थी। 37. Knowledge, मुझे दो साल का फर्क है। आप 10 नंबर निकालें प्लीज।
और कोई अच्छा सा पर दे दें यार इसको कुछ पर चाहिए आपको, मेरी नाक निकल रही है पर साथ मैं अंदर का कोई गलत इंसान बाहर खड़ा कर रहा हूं अंदर की आप जा रहे हैं होने का अगला सवाल कायदे आजम मदर टंग वॉज सिंधी गुजराती या कच्ची बी गुजराती विद ऑल ड्यू गुजराती तो मैं भी फिर गुजराती के कहूँ नहीं क्या मतलब अच्छा मैं कुछ और कहूँ नहीं 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 क्विक जवाब यार ब्रिटिश ही वाज ब्रिटिश He was speaking English. बारे में पूछे जॉर्ज बुश के बारे रेगन के बारे में अमेरिका के कितने स्टेट्स हैं ये वो फला ये सब जवाब इसको नहीं पता नहीं आता नहीं she must be knowing और अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए होना चाहिए तुम्हें पर यार अगर आप गुजराती कह रहे हो तो मैं गुजराती बोलते होंगे वो मुझे our icon we love him so his mother tongue was the right answer is सारे अच्छे लगेंगे इसके ऊपर यार ये बड़ा मजे का लग गया जोकर सही शक्ल नजर आई है तुम्हारी आज सही ख्याल नजर आज पता चला तुम्हारी असलियत क्या है I so feel for those guys जो खड़े होते हैं ये पहन के ना सारा दिन गर्मी में तो वो भी बड़ा बहुत मेहनत करते हैं मुझे actually पसीना face पे आना शुरू हो गया because of this and over here ठीक है जी अगला सवाल क्या हशर होता होगा गाइस जी very easy कवाली was introduced in the 13th century by Amir Khusro Fateh Ali Khan या Amir Khusro was what I heard 13th century कुतुबुद्दीन सही जवाब है अमीर खुश रहो यार ओके आप क्या स्कूल गई हो नहीं पढ़ी जमाल पास ये डोंट यू नो आई चेंज 13 स्कूल्स व्हाट आर यू सेइंग या अंटिल द 12th ग्रेड मेरी नाक तुम्हारी नाक कट के गिर गई नाक कटवा दी तुमने लड़की फरियाद आज के बाद आप जाके ये सारे जनरल नॉलेज के सवाल जनरल नॉलेज के सवाल हैं मुझे करना पड़ेगा देखिए अभी दो रहते हैं आप जरा ज्यादा ऊपर से ना आए सर मैं तो थोड़ी दे रहा हूँ ना आप ये देखिए आप जरा म्यूजिक को छोड़ के इनसे कुछ और सवाल करें ना ये और कहाँ के और एक आधे म्यूजिक का था कम ऑन चूज ओ सेवन आप क्या है ये कहाँ चढ़ाएगी कहाँ पहनेगी इसको क्या हो रहा है ये कहाँ पहनेगी पहना तो क्या रख रहे आखिरी सवाल ठीक है जी सेकंड लास्ट द बिगेस्ट स्पीशीज ऑफ द कैट फैमिली इज वेरी इजी लायन ओ टाइगर नहीं हो सकता टाइगर आर यू श्योर लेट्स सी क्विकली ओ गॉड यू पिक समथिंग नाउ सर आप मुझे नौ दे दें अरे मेरी नाक
ग्लासेस मेरी शक्ल के ऊपर तो कोई भी चीज लगा दो बहुत ही सेट लगेगा। कैमरे की तस्वीरें भी खिंचवा लेंगे भाई, आइए आइए, और ये बड़ी बड़ी करके ना आप लगाइएगा ये एक्सप्रेस की जो पेजेस है ना। ओके लास्ट क्वेश्चन गौर से देखिएगा स्क्रीन को। स्क्रीन को गौर से देखिएगा। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी? स्टडी ऑफ द ह्यूमन ब्यूटी इज कॉल्ड कलोलॉजी, एल्कोलॉजी या एग्रोस्टोलॉजी। व्हाट सर, ये तो तीनों ही नहीं सुने मैंने आज तक। क्या लल जो कलोलॉजी ये लग रहा है शुरू का पहला। कलोलॉजी मेरे और चेहरे पे जगह है नहीं। किसने बोला पहले? मैंने बोला जिसने बोला उसको मिलेगा सही जवाब। सब पूछूंगा कल तुमसे मैं। कल क्यों, एक घंटे बाद पूछ। आप दो नंबर दे दे। दो नंबर पक्का बैठेगा सर। रह क्या गया? ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग। गॉड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम अहमद के गाने के साथ जाएंगे एक ब्रेक पे। इसके ऊपर अहमद क्या गाना गा रहा है? इसके साथ कौन सा गाना ज़हन में आ रहा है? अपना ही, यानी अपना पाकिस्तानी अहमद। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी बोलने वाली। रहती है वो दूर नहीं, ऐसा पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, Now welcome back to Time Out with Ehsan Khan. और हमारे गेस्ट जो हैं वो तैयार हैं झटका खाने के लिए और खिलाने के लिए। वैसे आम जिंदगी में झटका लगा कभी अहमद? बहुत लगे। वैसे झटके भाई जिंदगी में ये तो किसी और झटके में चले गए। बहुत ज्यादा जिंदगी ये वाले झटके। अच्छा था। और सर यार और चला गया झटकों से सुन के मुझे चीजें आ रही है। कुछ याद आ रहा था फरियाल को, लगता है फरियाल को कोई झटके लगाता रहा है। मुझे बहुत डर लगता है शौक से। नहीं ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। ठीक है जी, पहला सवाल, क्योंकि मैं जो सवाल करूंगा जो अहमद की बात है वो आपको करनी है, यानी आपको जवाब देना है कि अहमद से सवाल किया लेकिन जवाब आपको देना है अहमद के लिए। और जब फरियाल का जवाब जो आपको देना, समझ आ गई है गेम? समझ आ गई है। ओके गॉट इट। तो मतलब इनकी पहला सवाल फरियाल, फरियाल आपसे करता हूँ, सुन ले। फरियाल तो समझ गई हो अहमद के लिए। अहमद का इस वक्त एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अफेयर चल रहा है और ये शादी अनाउंस करने वाले हैं। गलत है। डर क्यों रही हो?
जिंदगी में हम तकलीफें उठाते हैं कुछ नहीं, मुझे नहीं उठानी और कोई तकलीफ, थोड़ी सी तकलीफ उठा उठा चुकी हूँ सारी, उठा चुकी हो गया मेरा, हो गया लगता कुछ ज्यादा तकलीफ उठा ली फरियाल ने, ऐसा ना सोचो शौक नहीं सोचो, ठीक है जी। फरियाल एज अहमद, मैं जब गाती हूँ या मैं जब गाता हूँ तो वो जवाब देगी, मैं जब गाता हूँ तो तू दुनिया खुश हो जाती है। हाँ हाँ बस बिल्कुल सही है, यही है कुछ दो ना टेढ़ा वाला जवाब दो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर इंडस्ट्री में मुझसे कोई जलता है तो वो ये है। ओ माया अली तो दबाओ ना उसको। नाम ले लिया अच्छा, और तीन ट्राई पसीना छूट गया इसलिए झटके के ऊपर, खुदा की किस्म अचानक से मिला। आपको क्यों लगा माया अली मुझसे जेलस हूं? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही हम लोग जिक्र फिक्र कर रहे थे, यू नो जस्ट टॉकिंग रैंडमली, बिकॉज़ शी इज टू कूल एंड ही वांट टू टेक हर, या एग्जैक्टली, एंड आई विल से अहमद को नाम ही नहीं याद आ रहा। मेरे नाम की नहीं याद आ रहा, सब नाम भूल गया मैं, सारे ने इतनी जोर से झटका दिया सारे नाम भूल गया, जोर से झटके मारो ताकि नाम याद आ जाए। एक एक नहीं 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 इसकी फ्रेटर्निटी में वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी विल बी जेलस फ्रॉम मी। इंटरनल पॉलिटिक्स भाई, अगर नाम याद है तो आगे बढ़ जाओ। मैं भाई जा, मैं नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहा, मैं बिल्कुल भूल गया हूं। एक झटका और लगा दो बस, तुम लगाओ, गलती मेरी है। मुझे करीबी दोस्त प्यार से ये बुलाते हैं, ये बुलाते इनके, हाँ या घर वाले प्यार, जैज़ी, हाँ जैज़ी, वो व्हाट मैन, व्हाट आई स्वेयर टू गॉड, गॉड मैन, वाओ क्या बात, यू गेट जस्ट आई नो, आई हैव नोन, सो ओके कूल कूल कूल, ठीक है। मेरे फोन में पहले जैज़ी सेव था। अगर कोई लड़का मुझे छेड़ता है या मतलब कोई लाइन पास करता है तो मेरा ये रिएक्शन होता है, ये तो बिल्कुल आस्था नहीं करती, आई थिंक इसके साथ मैं आपको बताऊं सीरियसली, बड़ा आप ऑनेस्टली चलो तो बहुत अच्छी बात है, ये चाह रहा हूं क्या ये ठीक है, इधर उधर की चीजें समझ नहीं आती, नहीं आती, हां डायरेक्ट बढ़िया बटन नहीं, अच्छी बात है, डायरेक्ट 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 बात करें, हमने बात करी डायरेक्ट करें पर आपको, हां यहां हमें जवाब मिलेगा सिंपल, बिल्कुल नो कंफ्यूजन। मैं जब खामोश बैठता हूं तो उसका ये मतलब होता है, आई थिंक उन्हें खामोश रहना एक टाइम पे अच्छा ही लगता है, पकड़ो उसको तुम, अच्छा बगैर झटके के बैठ गई तुम, पकड़ो उसको, गलत जवाब दे रही हो, पकड़ो उसको, मैंने दिया ही नहीं अभी, अच्छा, पूरा जवाब ही नहीं फिनिश हुआ, आप मुझे सिर्फ टॉक करना चाह रहे हैं यार, फरियाद मेरा जवाब तो फिनिश होने दे, आई थिंक अच्छा टांग से लगा लो तुम, कहीं तो लगे झटका, क्या हो गया, पकड़ो उसको, जवाब मिलेगा, अच्छा क्या है जवाब पहले की, नहीं वो क्यों बोले, आप होते हैं अकेले, एंड यू आर ओके विद बीइंग अलोन, अगर मैं खामोश रहता हूं तो मेरा क्या क्या मैं क्या सोचता हूं, नहीं पकड़ो उसको ना, जवाब दो, दिस इज नॉट, मैं क्या जवाब दे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला 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 ला, पकड़ो पकड़ो उसको, इसका सही जवाब क्या है फिर, मैं खामोश होता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा होता हूँ, एक आर्टिस्ट हमेशा साइलेंट के ऊपर कुछ ना कुछ बना रहा होता है, मैं तुम लोग इतना ये नहीं सोचता उसने क्या पहन के आई है, कितनी अच्छी लग रही थी, मैं तो बिल्कुल सन्नाटा, मैं अगर खामोश होती हूँ तो कोई थॉट नहीं, सुन गुम कहीं और कुछ कुछ भी नहीं, नहीं सर मेरे तो धुने तैयार कुछ ना कुछ, बिल्कुल सही है, कोई पिक्चर पे अगर गलत कमेंट कर दे बहुत गंदा सा कमेंट, तो मैं क्या करती हूं, हां क्या करती हूं, आई थिंक शी वोंट रिएक्ट, ये जाने देगी, ये छोटी पॉलिटिक्स में नहीं घुसती, ये बड़ी वाली पॉलिटिक्स करती है, गिरा दो कटा दो
डीप फ्रीजर में डीप फ्रीज कर दो उसको टाइप की चीज मार दो दीवार में चुनवा दो टाइप की बातें दीवार में चुनवा दो हां इसकी टेरिबल टाइप की ना इस सीरियल किलर टाइप की इसकी मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूं एक्सट्रीम हां यस ठीक है मैं छोटे कमेंट्स मैंने 100 से ज्यादा किस्तों में काम किया मैंने हां किया साउथ जवेरिया प्रोडक्शन में और मैं पांच मैं नहीं खेल रहा यार नहीं किया और मैं 500 से भी ज्यादा करना चाहता था नहीं नहीं करना नहीं चाहता था मुझे नहीं लगता लेकिन कर लिया होगा हाँ कर लिया 500 ज्यादा किया था नहीं नहीं भाई नहीं 500 500 करना चाहता था नहीं मैं शायद आई थिंक 150-200 में तो किया ही होगा कुछ ऐसे ही 150-200 में किया था किया होगा बस करता चला गया अंदाजा हाँ अंदाजा नहीं टाइम का लगता है रोल बहुत पसंद आ गया बहुत ज्यादा आपकी सोच है सारे रोल अच्छे लगे चटनी और चिकन चटनी मलाई बॉडी ये चलेगा भी लोग देखेंगे भी इसके बाद चलो ठीक है बट लोग देख रहे थे लोगों देखा सर जो 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 बिकता है वो टिकता है या जो टिकता है वो बिकता है वाला कभी ऐसा हुआ किसी ने आके फीडबैक दिया गाने का नहीं दिया लेकिन एक्टिंग का दिया मैं आपको एक सर मैं आपका फैन हूं एक्टिंग का मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं हाँ। मैं शुरू में बताया बड़ी चुलबुली रू अंदर से ना हां हां तो आई थिंक वो सारे जॉनरा कवर कर लिए मेरी लाइफ में मैंने एक बॉयज करके एक ड्रामा किया था शुरू में उसमें सिर्फ कॉलेज की स्टोरी लड़के लड़कियां ड्राइव शायद और ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट था उसके बाद मतलब ये लैला मजनू किया लैला मजनू बहुत नो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि योर मेन लाइक थिंग इज सिंगिंग नाउ यू आर फेमस एज सिंगर बट कभी कोई आया ऐसा कभी कोई ऐसा आया कि जिसने आके सिंगिंग की बात नहीं की सर आपकी वो एक्टिंग बड़ी अच्छी है उसमें सर मुझे अहमद जहांगीर करके लोगों ने मुझसे कितनी बार एक्टर अच्छा फरियाल ये बात मैंने एक दो हमारे सेट पे प्रमोशन के लिए कभी वीडियोस बना रहे थे सोशल मीडिया पे तो द वीडियोस दैट गेट वायरल एंड पीपल कम अप टू मी एट टाइम्स एंड से वो आपकी वो वाली वीडियो बहुत अच्छी थी वो मैं शक्ल देख रहा था यार वो वाला ड्रामा है वो फिल्म थी मेरी ये वीडियो टिकटॉक पे जो लग गई किसी ने लगा दी वो अच्छी थी सर आप ये देखिए कि 5,000 का ऑडियंस और सब मुझे सुनने आए थे इधर प्रॉपर वन मैन और जो अनाउंसर था वो कहता है आपकी खिदमत में आते हैं अहमद जहांगीर अहमद जहांगीर खबर क्या किया दिल्ली भाई मैंने क्या भाई नहीं लेकिन ये मेरे साथ मुझे टैग करते हैं पेजेस फरियाल मखदूम लिख देते हैं नीचे अभी तक समझ नहीं आया कि कोई और है फरियाल मखदूम लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड हां अच्छा जी मैं अपनी ये वाली आदत कभी नहीं छोड़ सकती ये तो मुझे भी नहीं पता ये वाली आदत मैं कभी नहीं छोड़ सकती एक्टिंग की आदत नहीं छोड़ सकती बस यही हाँ, हो सकता है हाँ, यही आदत है यही आदत कोई बुरी आदत नहीं ऑन स्क्रीन ना असल जिंदगी में तो नहीं ना नहीं असल जिंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं होती मुझसे नहीं होती बहुत आप झटका लगवाना चाह रहे हैं लगेंगे नहीं सवाल बहुत आपके सिंपल आ रहे हैं यू जस्ट इनवाइटेड द रॉन्ग पीपल मैं इस वजह से इस लड़के से शादी कर लूंगी क्या वजह होनी चाहिए शादी करने की दो टांगे और दो हाथ में कर ली शादी में आपको बता रहा हूँ Yeah. I wouldn't say the bestest friend he has is his brother. I think so. Huh? Yeah, she's very right. Okay. No, main iski, I am shocked that she knows this. Oh. But aise hi kuch hai. Industry, dekhe, like, just na aapke saath hai na.
प्यार है बस, सबका दिल से हाँ, प्यार है, बट बेस्टी के लिए, बेस्टी के लिए ना रात में लगे हुए हैं, रात में चीजें शेयर कर रहे हैं, इंडस्ट्री में ऐसे सबके साथ मेरा वैसे ही है, जिसमें आपके साथ है बहुत ज्यादा याराना है, बट ये नहीं कि जो एक होता है ना कि ऑल द टाइम, अच्छा वो तो फिर लाइक ऑन पर्पस यू डोंट नीड, कभी ये होता है कि जैसे आपको आप फैमिली में अपने लोगों में इतने ज्यादा आप कनेक्टेड होते हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ती बहुत सारे दोस्तों की इस स्टेज पे, ये भी ना एक होता है, एक रखरखाव होता है, मैंने लाइक फॉर एग्जांपल मैंने शफकत भाई को एक जगह के ऊपर मैंने उनको इनवाइट किया, मैंने कहा शुक्र भाई आपने आना है गाना है, कोई बात नहीं कोई चीत नहीं, चुपचाप फ्लाइट लेकर आए गागू के चले भी गए ये वो, सो पीपल लव यू आल्सो ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो रखरखाव ऐसा है आपस में प्यार मोहब्बत के, अगर कोई मुझे भी इस तरह रात को 3 बजे बोलेगा तो आई हैव बीन देयर, बड़े केसेस के अंदर आई हैव स्टूड बाय पीपल, या वंडरफुल जबरदस्त जबरदस्त, अच्छा है बिल्कुल सही है, इस ड्रामे में अगर मुझे कोई ले तो मजा आ जाता, यानी फ्लां ड्रामा अगर ये करती तो बस वो बेस्ट होता ड्रामा, लेकिन नहीं लिया ना मतलब मस्ता ही है, कौन सा अभी अभी तो एक आने वाला है बट आई थिंक कौन सा वो दादा मुझे फोन करके गायब हो गया उसके बाद, इसके लिए बहुत अच्छे रोल में आ रहा है डिस्प्ले में, ओ बाय द वे उसका म्यूजिक मैंने किया बस वंडरफुल, आई अभी जो टीजर टीजर का म्यूजिक, या नाइस, आई हैव जस्ट मैसेज मारा टुडे ओनली, अच्छा द म्यूजिक द स्टोरी एवरीथिंग, बट फॉर हर आई थिंक शी इज सो फुल ऑफ व्हाट डू यू से her skills are anxiety. So full matlab she's so full of anxiety khuda aur mohabbat bhi karti hai, koi bhi dimagi problem dikhana hai aap mujhe le, ha main keh rahi hu kisi bhi tarah ka dimagi problem dikhana hai aap mujhe le, koi masla nahi, she's brilliant, wah very nice, ek chhota sa break lenge agle game mein jaane padenge hamare saath rahiye aur dekhiye time out with Ehsan Khan. Welcome back to Time Out with Ehsan Khan. और हमारे मेहमान बैठ चुके हैं डाइनिंग टेबल पर और मजे के विंग्स उनके सामने हैं. विंग्स को हम करेंगे जरा थोड़े से तीखे क्योंकि ये सेगमेंट है तीखा सच और तीखा किए बगैर तो हम अहमद सुना है मिर्ची बहुत पसंद है आपको नहीं आपने जो भी टेक्निकल वेवर ये व्हाट नहीं नहीं बॉस ये नहीं हो सकता व्हाट आर यू डूइंग बॉस ये तो आप दिखाएंगे यार नहीं नहीं व्हाट आर यू डूइंग ये सॉसेज जो है ना ये हमने ऐसे सिर्फ दिखाने के ये इतनी स्पाइसी नहीं है ट्रस्ट मी अगर मैं सच जवाब दूंगी तो मुझे खाना नहीं पड़ेगा नहीं नहीं हर जगह बच्चों घर बैठ के शो कर लो झूठ शाबाश घर बैठ के शो कर लो बहुत लजीज है सही है मैंने कहा था ना मिर्ची ज्यादा नहीं है अच्छा ठीक है हरीम फारूक कार्ड में फिट नहीं आएगी क्योंकि वो मोटी हैं ये कब कहा था क्यों कहा था ये मैंने कहा था मजाक रात पे जो वो एक सवाल करते हैं कि आपके पास एक गाड़ी है और साथ 3 सीट्स हैं और फला 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 उन्होंने मुझे नाम दिए बाकी सारी मेरी दोस्तें थी तो मैंने बोल दिया कि उन्होंने कहा तो आप हरीम को नहीं बिठाएंगे मैंने कहा नहीं और फिर मैंने साथ एक छोटा सा जोक क्रैक कर दिया कि वो फिट नहीं आएंगी लेकिन बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द जर्नी आई नो व्हाट बॉडी शेमिंग डज खाते हुए बोलना था भूल गई ओह सॉरी सॉरी खाते हुए व्हाट डज बॉडी शेमिंग तुझे पता लगे ना जरा बॉडी शेमिंग बुरी बात है हाँ. लेकिन एक्सपैट लोग अगर जो कर देते तो कोई बात नहीं यार
चिल करो, ठीक है, जो जरा इजी भी ले लेना चाहिए, ये कहना चाह रही हो। अगर मैं हमेशा से पतली होती तो फिर बहुत बुरा लगता है कि इसको क्या बता। अगर मैं मोटे से पतली हो चुकी हूँ तो फिर मुझे पता है और ये मैं जानती हूँ कि हर कोई कर सकता है। ठीक है यार, बस सही है ना भाई, क्या हो गया? अरे सॉरी यार, बस ठीक है, सॉरी। इस पे एक और वो बनेगा, मुझे पता है। हाँ जी सर, मैं तो सोचूं हरी मिर्च खा लूंगी, वो ज्यादा बेहतर लग रही है, हल्की मिर्च। एक्चुअली इट्स नॉट, जो आप बोल रहे हो। हां मैंने बोला इट्स नॉट दैट बैड, या आई थिंक ये गलत किया आपने। सवाल करें, मिर्च नहीं है इसमें? नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि अहमद स्टबन है, जब कुछ ठान ले तो बस उस पर टिक जाता है, क्या ये सच है? खाते खाते जवाब दें। हरी मिर्च अब नहीं खा सकते, तो बाकी मिर्ची है भाई इसमें। उल्टा कर देना इसको। अच्छा तो स्टबन है या नहीं है? लाल हो गए। He's turned red. पानी। मिल्क भी है। इसके बाद स्टबन हो जाऊंगा बस। अब नहीं रहूंगा। Oh my God. फरियाल। ओ फरियाल खाएं। ये भाई ये लाल वाला, ये जो है ना। दूसरा वाला क्या, पहला वाला? अच्छा ये बताइए, ये क्यों नहीं इसके ऊपर डाला? ये लो यार। अल्लाह बिस्मा। उधर डालो उधर। Come on। अब खा के दिखाओ। शाबाश। नहीं है यार। अब खा के जी। अच्छा पलट दिया है, देखो होशियार को, देखो पलट दिया इसने। बॉस मैं अब सिंगल हूँ, लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है। बिल्कुल सच है, मतलब मैं सिंगल हूँ, लेकिन तो मुझे नहीं लगता चौके लोगों को घुसने का, मतलब हाँ ये डिस्कस करने वाली बात है नहीं। अगर आप मुझे ऑब्जर्व करेंगे तो लगेगा मैं सिंगल हूँ, तो बस सही है ना। तो इसके लिए लाइक जब आप किसी के साथ होते तब भी आप अनाउंस करते हैं, जब आप नहीं होते तब भी अनाउंस करना जरूरी नहीं है। यू वांट टू? हां, ओनली इफ आई वांट टू देन आई टेल पीपल। ओके, या आई डोंट फील कि आई हैव टू टेल पीपल एवरीथिंग अबाउट माय सेल्फ। नो एक्सप्लेनेशंस ऑब्वियसली, आई डोंट नीड। इट्स योर चॉइस, यू डोंट वांट टू, यू डोंट वांट टू। या गुड, ठीक है, खाए यार। सर मैं तो आपको आज पूछेंगे तो मैं करूंगा ना। खाते रहे बस प्लीज सर। मैं वो हो गई, सवाल ऐसे कि खाते में हो सकता है। अच्छा अच्छा चलिए, इसमें लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लिखा क्या हुआ भाई, ये देख ले। आपको सीसी करते हुए गाना सुनाना। सीसी करते हुए इसका क्या मतलब है? जब मिशेल की, अच्छा ये वो लिखा हुआ है यार, क्या लिखा हुआ है? सीसी करते हुए गाना, लो जी गाना सुनाए सीसी करते हुए। आ रहा है कुछ दिमाग में? यार इसमें मिर्ची क्यों है भाई? बहुत ज्यादा मिर्ची है यार ये तो। नहीं उसमें भी है, उससे भी खाई है। नहीं पर मुझे क्यों ज्यादा लग रही है? आपने क्योंकि शुरू में हरी मिर्च खा ली ना, वो होने के लिए जरा। मैंने आपको कहा कि दिस वाज अ बैड आईडिया, ड्रिंक मिल्क, इट इज टू फ्रीकिंग हॉट। पसीने छूट गए। एक प्यार का नगमा है जिंदगी और कुछ भी नहीं। क्या है? तेरी मेरी कहानी है। बस सुर नहीं आया, इसमें भी सुर। ठीक है फरियाल। Well, this is the last question, so we can eat a little more. If you okay. Want. Yeah. Oh my God, terribly hot. Bismillah. दूध पी ले भाई. भाई मैं कुछ नहीं असर कर रहा. वो अंदर जाके ना इधर कहीं बैठ गया कहीं. हाँ. पीछे. हाँ. जी खाइए ना. खाएंगे तो सवाल करूँगा. Film Sorry. उस फिल्म में you replaced Sonia Hussain. और फिर सोनिया ने एक शो में कहा कि एक नहीं दो शो में कहा कि फरियाद महमूद कौन है। डू यू थिंक इट वाज अ रैंडम थिंग और इट वाज सम, अब दो दफा कह रही हूं रैंडम तो नहीं हो सकता। व्हाट वाज इट, व्हाट डू यू थिंक? सोनिया मुझे नहीं जानती, नहीं मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, हम दोनों ने एक साथ काम किया है और फिर अनफॉर्चुनेटली आई रिप्लेस्ड हर, फॉर्चुनेट फॉर मी, बट उन्होंने मेरे मोटापे का मजाक उड़ाया था जब मैं मोटी थी। क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो? पता नहीं क्या हो रहा है यार, क्यों हो रहा है, गलत है ये बहुत। हम लोग सिंगर एक दूसरे के, इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने इनको कॉल आउट किया और फिर वो एक बहुत लंबी बहुत पुरानी बात हो गई
और फिर एकदम से अबू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ. इट्स फाइन, आई नो हर, शी इज अ वेरी गुड एक्टर. नहीं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब व्हाट, शी डजंट नो यू? इस इंडस्ट्री में हाउ, मतलब यू आर, नो, बहुत अजीब सी बात. वी हैव बीन ऑन अ सेट टुगेदर, अहमद. We have been on a set together. We have worked and together. And I really adore her work. She's a brilliant actress. Yeah. Brilliant girl also at the yeah. same time. Bahut hi humble and all. I don't know. Maybe shayad, I don't know, uske dimaag mein kuch aur cheez chal rahi ho. Unko honge kuch issues. Mujhe pata nahi hai actually. Abhi kya issues hai unko mujhse. But koi baat nahi. Professional jealousy. I like it. Faryal still loves you. Koi baat nahi. Yeah, I love you. I love Sonia. Aise hi ji. Lovely, yaar. Theek hai ji, ab khaye aap. Haan ji. Very nice. सारा काम मैंने ही करना है. नहीं, सारा काम तो सिर्फ फरियाल ने किया है. फरियाल ने जवाब दिया, सिर्फ खाया मैंने ऐसे ही वाला. कोई कंट्रोवर्शियल सवाल इसके लिए था ही नहीं, सवाल इसके. मैंने कहा आखिर में करूंगा एक कंट्रोवर्शियल सवाल. सवाल करें. हाइप भी हो रहे हैं ना साथ साथ के. नहीं नहीं, मैं आई एम जस्ट मूविंग कंट्रोवर्सी फॉर एक्सरसाइज. ठीक है जी. मेरा किसी फीमेल एक्ट्रेस के साथ नाम जुड़ा, अफेयर लोगों ने मशहूर किया, उसमें कोई सच्चाई नहीं. मैं तो बोल सकता हूँ कोई सच्चाई नहीं है. अंदर की बात है कि हाँ, मतलब जिंदगी में बहुत कुछ किया. क्या कर सकते हैं भाई, खाना खाए आप खाना. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मिर्ची बुलवा दी, सच बुलवा दी अंदर से. हाय, मैं सच बोलवा दिया. मैं क्या मानू, पहले बोले नहीं, लेकिन हाँ नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं. मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त यार जिंदगी में रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ हैं, जैसे अभी मी एंड फरियाल टुगेदर, एंड देन ऑब्वियसली वी मीट अप, और फिर जिंदगी में भी हम साथ रहे, तो उसका मतलब हम अफेयर में नहीं है. लॉट ऑफ पीपल हैव कनेक्टेड रॉन्ग एंड्स, बट शायद वो इंटरनली डिटेल में वो ऐसा नहीं था जो लोग प्रसीव कर रहे थे. ओके, या राइट. ठीक है, मैं बड़ा सिंसियर इंसान हूँ, मैं बड़ा आखिरी वक्त तक साथ देने वाला इंसान. ठीक है, ठीक है. वन नाइट स्टैंड वाला इंसान हूँ. सवाल ही नहीं पता. ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेयर, भाई चलो ये नेवर इन द स्पॉटलाइट फॉर द लास्ट टू डिकेड्स. यू हैवंट सीन मी एनी अफेयर और एस्पेशली आई हैव हर्ड, आई मीन अपार्ट फ्रॉम दिस वन और टू थिंग्स वी मेड, वो ऐसी कुछ भी नहीं था. ठीक है, मैं जानता हूं ना. ओके, बिल्कुल सही है, मान गए यार. मैं सच बोलूंगा सर. सर, हम आपकी बात मान गए, मुझे मालूम है आप सच बोलेंगे. तो जनाब, ये जबरदस्त तीखा सच, मुझे एक्चुअली इस तीखे सच में इसके बाद एक गाना आया है, आपको असल में मजा आया, तो हम गाने भी एंड करेंगे इस सेगमेंट में. मगर देखो, ये इसमें साथ देना है तुमने. ये अक्सर मुझे मिर्चे लगती है ना, पता है कौन सा गाना आता है भाई? हाँ, ये आपने पहला वर्ड लिया, मोनिका. Oh my darling, Monica. Oh my darling. Big break, like a victory time on with us. Welcome back to Time Out with Ehsan Khan. हमारे साथ मौजूद है अहमद और फरियाल. अच्छा, एक चीज जो मैं बड़ी बेसिक सी बात होती है वो पूछना भूल गया कि who is your favorite actress? Who do you think that you follow? जिसको कोई बहुत ही iconic है और ये बस मुझे इस तरह की acting करनी है, ये बहुत पसंद है. पाकिस्तान में? It's your choice. Anyone could be Pakistani. I would love if you take a Pakistani name, but it's your choice. If we're talking about leading actresses, I really like Sanam Saeed. Okay, these days, aajkal ki current actresses. हाँ, मुझे उनका काम अच्छा लगता है. जितना minimal काम, जितना minimal expression होता है, मुझे उतना अच्छा लगता है मुझे. Okay. हाँ. Other than that, there's so many actors around the world that I would love to just, you know, learn from. कोई हमारी पुरानी actress जो बहुत जबरदस्त है? There's so many. There's obviously Ruhi Bano. Ruhi Bano se aap kya taluq hai sir? Logon ko phir bata denge dafa. Meri khala hain. Ye dekhen yaar, ye talent yahan se aaya. Itni badi hamari actress, ha? Yeah. So like, you know, and then bahut sare naam hain abhi aa nahi rahe, lekin bahut bade bade log reh chuke hain yahan, you know.
और हैं भी हमारे हैं पास भी, बिल्कुल, टैलेंट की कोई मतलब बिल्कुल, कमी नहीं मतलब है। मतलब ये जितने सीनियर एक्टर्स हैं जब आप इनके साथ काम करते हैं, फिर दोस्त जमाल हो गए, वसीम अंकल हो गए, वसीम अब्बास, there's so many people that you learn from, एक एक चीज आपको नुमान निजाज have taught, he's taught me so much, और हर project हर चीज में आप कुछ नया इन लोगों से सीखते हैं, it's amazing, जबरदस्त है, जबरदस्त। अच्छा जनाब, आपके फेवरेट, आपकी जो फेवरेट फीमेल सिंगर है, भले वो पुरानी हो, लेकिन कौन है? पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली नूरजहां जी, एंड देन आई लव्ड मेहनाज जी एंड रूना लैला। और कितनी अलग अलग आवाजें थी, नहीं यार आपा, हाँ चारों की आवाजें कितनी अलग अलग हैं। कमाल। एंड देन आई थिंक उमेरा चन्ना आल्सो कैरीड अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस। और मैं आपको सच बताऊं, आई डोंट हैव दिस थिंग प्रोफेशनली कोई क्या समझता हो, बट मुझे लगता है कि यूथ में भी जो अब वेरिएबल्स आ गए हैं कि रॉ स्ट्रक्चर ऑफ कुछ, देखिए हर चीज़ ना टाइम और एरा के हिसाब से, ज़माने में ईस्टर्न सेमी क्लासिकल, क्लासिकल मौसीकी का काम होता था, फिल्मों में भी गाने क्लासिकल होते थे और प्रॉपरली क्लासिकल होते थे। अब मॉडर्न की तरफ आए तो वो रॉ स्ट्रक्चर के साथ जो नई फीमेल आए, डॉ देम ऑल्सो, मैं यही बात बोलता हूँ, लोग कहते हैं कि तुम यू नो यू जस्ट बीइंग वेरी शार्प एंड क्लेवर अबाउट इट, बट आई थिंक आई अडोर टुडेज सिंगर्स जो आजकल हैं हमारे जो नए दौर के, मुझे नूरी बहुत पसंद था एज अ रॉक बैंड, यू नो देयर म्यूजिक वाज आल्सो वेरी, अली अजमत एज अ रॉक बैंड, व्हाई नॉट मैन, व्हाई नॉट, मतलब ये नहीं कि मैं क्लासिकल सिंगर हूँ तो, या मैं गजल या नीम क्लासिकल गाता हूँ तो मेरी सिर्फ इन्हीं के साथ फेवरिज्म होगा। दो सजाद अली भाई एंड राहत फतेह अली एंड ऑल दैट आर एक्सेप्शनल, मतलब मगर ये लोग को, इनको भी क्रेडिट जाना चाहिए कि दे आर एक्चुअली इक्वली यू नो वर्थ देयर प्रेज, अपनी एक नीश अपने जॉनर में जो काम कर रहे हैं, वी म्यूजिक लवर्स, सो आई थिंक अच्छा म्यूजिक जो भी होगा, जो भी बनाएगा वो आपको अच्छा ही लगेगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न क्लासिकल, एग्जैक्टली, ऐसे ही है, इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड यू जस्ट कम्युनिकेट थ्रू इट एंड इट्स अमेजिंग। इंस्पिरेशन तो, और इंस्पिरेशन और वाओ फैक्टर तो फिर अभी आजकल के आप बिल्कुल छोटे बच्चे देखे हैं, जो नई नई बच्चियां जो बिल्कुल यंग टैलेंटेड, वेरी गुड, क्रेजी टैलेंटेड, यू नो मतलब के खुदा दाद सलाहियत है, और ये वो आई थिंक मैं समझता हूँ कि देखिए ना, जस्ट बींग अ सिंगर एंड गॉड इज गिवन अ स्मॉल नेम डजंट मीन कि आप बस आपने कर ली जिंदगी में। आई थिंक अपने पीछे लेगेसी छोड़ के जाना या कोई ऐसा काम करके जाएं जो जिंदगी भर याद रहे, आई थिंक वो सब ने फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी वैसी इंडस्ट्री बहुत लिमिटेड है और इसके अंदर कुछ किसी ने कुछ ज्यादा खास किया नहीं अभी तक नजर आता है कि उस दौर तक, लाइक फ्रॉम 80s 90s जो, और अगर किया भी है तो उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ, वी नीड मोर प्रोजेक्शन फॉर आवर आर्टिस्ट एंड सिंगर्स, बिल्कुल, वी नीड मोर, अनलेस आवर आर्टिस्ट इज गॉन ओवरसीज, until then they are not acknowledged. आप देखिए अभी, do you think so? Yeah, I think so. Michael Jackson till the age of 60 plus he was singing till the last days, whatever his age, मतलब he was something 50 plus था, 50 plus था, right? You two are right now in their 60s. Sting is in the 60s. They're still singing. Yeah. Music is life. I always wear that. Music is my life. I think कि मुझे I don't need to divert myself into any other thing. I'm a musician and I can live all my life being a musician and you know music enjoying in life. Music itself is a world. Keep on producing. कोई ऐसा नया काम, कोई ऐसा अपना solo, कोई album, कोई video, कोई नया गाना. हाँ हाँ. उसपे काम हो रहा है अभी बिल्कुल अभी. अच्छा मैंने खुदा से एक दफा, खुदा मेरी you know उनकी जो हम जो एक मोहब्बत है मेरी उनसे. वो एक बड़ी स्पेशल है, मैंने जो जो चीज़ें जिंदगी में मांगी ना वो उसी वक्त मतलब वो मिल गई ना, जो चाहे वो पैसे हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, तो मैंने जिंदगी में मैंने कहा कि मुझे काम करते रहना है लाइफ में, मैंने खुदा से मांगा, तो उसी के अंदर ये हुआ कि मुझे इतना काम मिलना शुरू हो गया बाहर से, कि अभी फरियाल जैसे मुझसे कह रही थी कि तुम कुछ भी रिलीज कर दो ना ऐसी गा के, जस्ट सेंड इट आउट, एंड आई एम टेलिंग कि मुझे पता ही नहीं होता, होश ही नहीं होता, मैं अब दूसरों की चीजों के अंदर प्रोडक्शन में कर रहा हूं, यू डूइंग ओएसटीज फॉर ड्रामास, फिल्म्स, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, लॉट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन, आपको नहीं पता पसे पर्दा मैंने क्या क्या चीजें की हुई है जो आप लोगों को नाम के साथ नहीं पता, बिल्कुल सही, और वो बस लाइमलाइट नहीं सिर्फ बात ये कि हम जैसे जो लोग हैं ना जो आपको सुनते हैं वो बार बार सुनना चाहते हैं। अच्छा टाइम के मेरे पास अब थोड़ा रह गया, जाते जाते फैंस को या लोग जो सुन रहे हैं जो देख रहे हैं, कोई ऐसी बात कहना चाहती हो जो दिल में है और वो आज सामने कर देना चाहती हो? आई थिंक मुझे एक मैसेज देना है, ज्यादातर
औरतों के लिए वो मैसेज है. मैंने ये नोट किया है, मैं आई हैव बीन लिविंग इन पाकिस्तान फॉर द पास्ट 8 ईयर्स, और यहाँ पे सिखाया जाता है लड़कियों को, औरतों को, टू टेक केयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड टू टेक केयर ऑफ एवरीवन अराउंड देम. आई हैव नेवर हर्ड एनीवन से टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट. और यहाँ पे इतना बड़ा ये मसला है कि एक औरत को पता ही नहीं है कि अपना ख्याल पहले रखना है और फिर दूसरों का ख्याल रखना है. यू योर सेल्फ आर योर फर्स्ट प्रायोरिटी. वॉट मेक्स यू हैप्पी, वॉट यू नो मेक्स यू नो लिव, वॉट मेक्स यू वेक अप इन द मॉर्निंग. आई थिंक आपके अपने एम्बिशंस होना, आपका अपना एक लाइफ पाथ होना, आपके अपने अपने सपोर्ट में खुद खड़े होना बहुत जरूरी है. किसी और से पहले, किसी से एक्सपेक्ट किए बगैर सबसे पहले अपने आप से एक्सपेक्ट करें और अपने आप के लिए खड़े हों प्लीज. बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है. वो जब आप जहाज की अनाउंसमेंट होती है और मुझे बताते हैं कि ऑक्सीजन मास्क गिर पड़ेगा, तो वो ये कहते हैं कि पहले खुद पहने फिर अपने साथ वालों को पहनाएं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तभी आप अपनी फैमिली की, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखेंगे. अच्छा जनाब, अब टाइम खत्म हो गया है, हम बस अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन इतने हमारे प्यारे लोग, इतने जबरदस्त लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा अहमद के, मतलब मैं खुद भी फैन हूं, हम सब फैन हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, तो हम अहमद के गाने पे आज का एंड करेंगे. आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस सॉन्ग फॉर द पास्ट 20 इयर्स और ये मेरी लाइफ का बड़ा एक जर्नी का बड़ा एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है. बिकॉज मुझे याद है कि जब ये गाना मुझे याद कराया तो मुझे एक चैलेंज दिया गया था कि तुमने गाना बनाना है और ये शायरी है. तो जब वो शायरी मुझे दी तो मैंने इसकी कोई अजीब सी ट्यून बनाई और मैंने अपने अब्बा से इसको कंफर्म कराया कि इज दिस ओके, एंड ही सेड कि बकवास है, एक और बनाओ. तो आई थिंक 10वीं अटेम्प्ट के ऊपर उन्होंने जाकर कहा हाँ ये अच्छी लग रही है. तो वो ये है, तो वो आई डोंट नो, मेरे साथ एक इसका है रिलेशन है. Yeah.